सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड ने सलमान खान पर एलिगेशन की गोलियां दाग दी थी। सोमी अली ने सलमान खान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि सलमान ने उनके साथ काफी बुरा बर्ताव किया है। सलमान अपने दोस्तों के सामने उन्हें पीटते थे, मारते थे, बेइज्जत किया करते थे। सोमी ने ये भी बताया था कि उन्हें अपनी कमर की सर्जरी भी करवानी पड़ गई थी। और अब सलमान पर बहुत सारे आरोपों को लगा लेने के बाद से सोमी ने अब अपने साथ हुए सेक्सुअल अब्यूज को लेकर खुलासा कर दिया है और सनसनी मचा डाली है। सोमी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि जब वो 5 और 9 साल की थीं, तब उनका सेक्सुअल अब्यूज हुआ था और फिर उनका रेप भी किया गया था। जी हाँ, सोमी ने एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान कहा, मेरी परवरिश कराची के एक बहुत ही खूबसूरत और आलीशान घर में हुई थी। 28 रूम्स वाली ये हवेली बाहर से देखने में जितनी खूबसूरत थी, उतने ही भयानक हाथ से हवेली के अंदर घटे। घर में रोज रोज लड़ाई झगड़े, पापा रोज नशे की हालत में माँ के साथ मारपीट किया करते थे। इस सब को देखने सुनने की आदत मुझे बचपन में ही पड़ गई थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज भी हो चुका है। उन्होंने इस पर खुलासा करते हुए कहा, मेरा पहला सेक्सुअल अब्यूज पाकिस्तान में हुआ था। उस वक्त मैं 5 साल की थी। सर्वेंट क्वार्टर में 3 इंसिडेंट हुए। मैंने मम्मी पापा को इस बारे में बताया, एक्शन भी लिया गया था, लेकिन पेरेंट्स ने मुझे कहा था, बेटा ये किसी को बताना नहीं। मेरे दिमाग में ये कई सालों तक रहा। मैं सोच रही थी कि क्या मैंने कुछ गलत किया था, मैंने अपने पेरेंट्स को क्यों बताया। वो मुझे सेफ्टी जोन दे रहे थे, लेकिन मैं इससे समझ नहीं पाई। फिर 9 साल की उम्र में फिर ऐसी ही घटना हुई और 14 साल की उम्र में भी मेरे साथ रेप हुआ। जी हाँ, 5 साल की उम्र में घर के कुक और 9 साल की उम्र में घर के गेट कीपर के हाथों में मैं सेक्सुअल अब्यूज का शिकार हुई। बचपन के इन हादसों के बाद मैं अंदर ही अंदर टूटती चली गई। मेरा मन पढ़ाई की तरफ से भटकने लगा। स्टडी में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था। मैं मुश्किल से पढ़ाई पर फोकस कर पाती थी, हमेशा खिड़की से बाहर देखती रहती। मुझे इतना भी नहीं पता था कि मैं एक गंभीर बीमारी PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की शिकार हो चुकी हूँ। ये बीमारी उन लोगों को होती है जो किसी दर्दनाक घटना से गुजरते हैं। आपको ये भी बता दें कि सोमी को गेम्स में भी इंटरेस्ट था, मगर उनकी फूटी किस्मत। उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो गेम्स से भी दूर हो गईं। जी हाँ, इस पर उन्होंने कहा था, नॉट बॉल स्विमिंग और क्रिकेट खेलने की बेहद शौकीन होने के अलावा बदकिस्मती से मेरे पास अपने बचपन की खूबसूरत यादों की बहुत कमी है, लेकिन खेलों का सफर भी ज्यादा दिन तक नहीं चला। 9 साल की थी तो मेरे बाएं पैर में ट्यूमर हो गया, जिसका ऑपरेशन कराना पड़ा। खेलों से मेरा प्यार यहीं खत्म हो गया, लेकिन उन हालातों से निकलकर मैं इतनी मजबूत बन चुकी थी कि मैंने एक NGO 2007 में नो मोर टीयर्स की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि इसे सिर्फ इसलिए उन्होंने बनाया क्योंकि वो लोगों की बेखौफ हेल्प कर सके। जानकारी के लिए बता दें कि NGO की शुरुआत उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हुए लोगों की हेल्प के लिए बनाई थी। पिछले 14 सालों में उनकी NGO ने हजारों फीमेल्स, मेल्स और बच्चों के चेहरों पर स्माइल लाने का काम किया है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।